हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ डॉक्टर छविकर। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस में टॉपिक पर्सन हु कैन मेक एडमिशन। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडमिशन किसे कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से पर्सन होते हैं जो कि किसी केस में एडमिशन कर सकते हैं। देखिए, ये बताने से पहले कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि एडमिशन किसे कहते हैं। मैंने बताया था एडमिशन समझने के लिए आपको कन्फेशन और एडमिशन दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि एडमिशन किसे कहते हैं। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है और आप डायरेक्टली अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कन्फेशन। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक्सेप्ट ना करके उससे रिलेटेड रेलिवेंट फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एडमिशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक ए और बी है, ए ने अपनी वाइफ को जहर दे दिया और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही अपनी वाइफ को जहर दिया है, तो डायरेक्टली वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगा कन्फेशन। लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने अपनी वाइफ को जहर दिया है, पॉइजन दिया है, बल्कि वो कहता है कि कल रात मैंने पॉइजन दुकान से ख़रीदा था। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैंने पॉइजन खरीदा था, वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने पॉइजन अपनी वाइफ को दिया था। तो पॉइजन खरीदने का जो फैक्ट उसने एडमिट किया है उसे बोलेंगे एडमिशन। इसी तरीके से अगर किसी के घर में कंप्यूटर की चोरी हो जाती है, अगर बी कहता है कि मैंने ए के घर से कंप्यूटर चुराए हैं, तो वो कहलाएगा कन्फेशन। लेकिन अगर वो कहता है कि जिस रात चोरी हुई उस रात मैं ए के घर पे गया था, मैंने देखा था कि घर के कमरे में कोई लॉक नहीं लगा हुआ है और कंप्यूटर टेबल पे रखा हुआ था, तो ये सब चीज़ें कहलाएंगी एडमिशन। यहाँ पे वो और सब चीज़ें तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन वो डायरेक्टली अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं एडमिशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन किसे कहते हैं और कन्फेशन किसे कहते हैं। अब एडमिशन कौन कौन पर्सन कर सकते हैं? देखिए, देखने से तो हमें ये लगता है कि जो पार्टी टू सूट होते हैं वही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 पर्सन की कैटेगरी है जो कि किसी भी केस में किसी भी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। अब 1 by 1 हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला है ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। देखिए, अगर जो है चोरी का केस चल रहा है ए और बी में, कि ए ने बी के घर में चोरी करी है, तो ये कौन से हो गई पार्टी? दो, एक ए हो गई और एक बी हो गई, तो ये आपस में किसी भी फैक्ट को एडमिट कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी टू द सूट जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन किसी और पर्सन का जो है उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है, तो वो पार्टी भी जो है एडमिट कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई गार्जियन किसी माइनर के बिहाफ पे कोई केस फाइल करता है, तो वो केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान माइनर के खिलाफ, माइनर की अगेंस्ट कोई भी एडमिशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है आपका एडमिशन बाय एजेंट। देखिए, एजेंसी का जब आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एजेंसी, तो उसमें 2 पार्टी होती है, एक आपका प्रिंसिपल होता है और एक आपका एजेंट होता है। तो एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल बाइंड होता है। तो अगर इन द कोर्स ऑफ एजेंसी एजेंट ने कोई फैक्ट एडमिट किया है, तो माना जाएगा वो फैक्ट प्रिंसिपल ने ही एडमिट किया है और वो एडमिशन प्रिंसिपल पर बाइंडिंग होगा। रित वर्मा वर्सेस एम्परर के केस में, कौन सा केस था ये? रित वर्मा वर्सेस एम्परर के केस में
ये डिसाइड हुआ था कि जो एजेंट ने एडमिशन किया है वो तभी बाइंडिंग होगा प्रिंसिपल पे, जबकि उस वक्त दोनों के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होनी चाहिए। इट मीन्स अगर उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप है तब तो एजेंट का जो एडमिशन होगा वो प्रिंसिपल पे बाइंड होगा और ये माना जाएगा कि वो एडमिशन प्रिंसिपल ने ही किया है, अदरवाइज नॉट। अब आप जैसे एक्यूज्ड होता है क्रिमिनल केस में, अगर उसका काउंसिल कोई भी एडमिशन करता है एज ए एजेंट तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर एक्यूज्ड का काउंसिल एज ए विटनेस कोई एडमिट करता है किसी फैक्ट को तो फिर वो जो है एक्सेप्टेबल होगा। इसके लिए बहुत अच्छा केस हुआ था एक रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कौन सा केस था ये? रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, एक लेडी थी श्रीमती सुद्दाई। अब रघुनाथ ने क्या किया, किसी और लेडी को श्रीमती सुद्दाई बनाया और उसके नाम से साइन करा के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम से सेल डीड के थ्रू कर ली। अब कोर्ट में केस गया, श्रीमती सुद्दाई ने कोर्ट में डाल दिया कि इसने मेरे जाली सिग्नेचर करके जो है मेरी प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अब जो थे कोर्ट में साइन भेजे गए जो कि सेल डीड में हो रहे थे और जो उसके असली सिग्नेचर थे। अब प्रोसिक्यूशन ने जो था, जो एक्यूज्ड का, जो रघुनाथ का, उसका जो काउंसिल था भैरव प्रसाद श्रीवास्तव, उसको जो है विटनेस बॉक्स में मिलाया। तो उस वक्त वहाँ पे उसने विटनेस की तरह ये कहा कि ये जो साइन है दोनों डिफर करते हैं। तो माना गया कि यहाँ पे जो एक्यूज्ड के काउंसिल ने एज ए विटनेस एडमिट किया था कि ये साइन एक से नहीं है तो ये एक्यूज्ड के खिलाफ जाएंगे, यहाँ पे ये वाला एडमिशन जो काउंसिल ने किया है वो एक्सेप्टेबल है। अब नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट मेड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ स्टेटमेंट जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ना देके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में देते हैं, जैसे हम एज ए ट्रस्टी दे रहे हैं या एज ए एक्सिक्यूटर दे रहे हैं या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर दे रहे हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई एडमिशन करते हैं तो माना जाएगा वो एडमिशन एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एज ए ट्रस्टी कोई जो है स्टेटमेंट दिया है लेकिन वो स्टेटमेंट उसकी पर्सनल कैपेसिटी के केस में यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पर्सन हैविंग एन ए प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। देखिए कभी कभी कुछ लोगों का एक ही सब्जेक्ट मैटर में या एक ही प्रॉपर्टी में जो है जॉइंट इंटरेस्ट होता है, तो अगर बहुत सारे लोगों का किसी सब्जेक्ट मैटर में जॉइंट इंटरेस्ट है उनमें से एक कोई भी किसी भी स्टेटमेंट को बनाता है, किसी भी फैक्ट को एडमिट करता है, तो माना जाएगा ये एडमिशन उसके खिलाफ भी यूज़ होगा और जो दूसरे मेंबर है जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, जो जॉइंटली इंटरेस्ट है, वो उनके खिलाफ भी एडमिटेड होगा। नेक्स्ट है आपका पर्सन फ्रॉम हूम द पार्टी डिराइव इंटरेस्ट। देखिए पहले मैं इसमें केस लॉ बताती हूँ तभी आपको इस लाइन का मीनिंग क्लियर होगा। इसमें एक बहुत अच्छा केस था अंबिका देवी वर्सेस बाल मुकुंद पांडे। कौन सा केस था ये? अंबिका देवी वर्सेस बाल मुकुंद पांडे। तो इस केस में क्या था कि एक पर्सन के पास जो थी प्रॉपर्टी थी, अब उस प्रॉपर्टी का उसके पास ओनरशिप भी था, उसने कहा कि मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी को बी के पास मॉर्गेज कर दिया है 1000 रुपये में। अब जब उसने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी सी को बेच दी। अब जब सी को बेच दी तो बी ने सी को कहा कि आपके जो पैसे दे रहे हो उसमें से 1000 जो है मेरे कटेंगे। तो अब सी ने कहा ये तो गलत है, तो माना गया कि जो ए ने स्टेटमेंट दिया था सेल से पहले कि ये प्रॉपर्टी मैंने बी को 1000 के लिए मॉर्गेज करी है, तो ये पर्सन कौन था जिससे सी ने इंटरेस्ट डिराइव किया था, मीन जिससे सी ने अपना ओनरशिप इंटरेस्ट डिराइव किया था, क्योंकि ए ने सी को प्रॉपर्टी सेल करी थी तो सी को इंटरेस्ट किससे डिराइव हुआ, ए से। तो ए का जो स्टेटमेंट है
माना जाएगा कि वो एडमिसिबल है बी की फेवर में, तो सी को 1000 रुपीज सेल में से जो है देना ही पड़ेगा। तो ये था कि पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज डिराइव इंटरेस्ट। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है एडमिशन बाय ए पर्सन हुज पोजिशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट ए पार्टी टू ए सूट। सीधे से फॉर्म में समझिए कि इसमें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चलता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसमें जो पार्टीज हैं सिर्फ वही किसी फैक्ट को एडमिट कर सकती हैं, कोई भी स्ट्रेंजर किसी फैक्ट को एडमिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर किसी फैक्ट को एडमिट करता है और वो एडमिशन उसी थर्ड पार्टी के अंगेंस्ट में जाता है तो उस थर्ड पार्टी का जो एडमिशन है वो भी उस केस में एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगी जो उसके खिलाफ जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए ने बी को एक एजेंट अपॉइंट किया कि आप मेरे बिहाफ पे सब लोगों से रेंट वसूलोगे। तो ए ने किसको अपॉइंट किया? बी को। उसने एज ए एजेंट किया कि आप सब व्यक्तियों से मेरे बिहाफ पे रेंट वसूली करोगे। अब एक सी पर्सन था, उसको ए को रेंट देना था, लेकिन एजेंट ने सी से रेंट वसूल नहीं किया तो ए ने उसके खिलाफ सूट फाइल कर दिया। तो सी ने कहा कि सी को तो ए ने कहा, जो बी था एजेंट था, तो उसने कहा सी को तो ए को कोई रेंट देना ही नहीं था। जब कोई रेंट देना ही नहीं था तो मैं रेंट कैसे उसे वसूल करता, इसलिए ये जो केस मेरे खिलाफ दायर हुआ है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सी ने कोर्ट में कहा कि नहीं, मेरे को रेंट ए को देना है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि वैसे उस प्रोसीडिंग्स में पार्टी कौन थे? ए और बी, प्रिंसिपल और एजेंट। लेकिन थर्ड पार्टी जो सी था उसने ये एडमिट किया कि मेरे को ए को रेंट देना है, जबकि ये स्टेटमेंट सी के खिलाफ ही जा रहा है क्योंकि अब उसे रेंट 100% ए को देना ही पड़ेगा। तो माना जाएगा कि वैसे तो स्ट्रेंजर का एडमिशन नहीं माना जाता है, लेकिन वो अगर उसके खिलाफ ही जा रहा है तो फिर वो एडमिशन केस में एडमिटेबल होगा। लास्ट है आपका एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू ए सूट। देखिए, अगर किसी केस में दो पार्टी हैं ए और बी, उनमें से एक पार्टी किसी दूसरे को एक्सप्रेसली रेफर कर देती है तो फिर उस जिसको आपने रेफर किया है उसका स्टेटमेंट भी केस में एडमिटेबल होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ए ने बी को अपना घोड़ा बेचा तो बी ने कहा कि आपका घोड़ा बिल्कुल मतलब हेल्दी है और साउंड है, तो उसने कहा कि आप इसे सी से पूछ लीजिए। अब यहाँ पे ए ने एक्सप्रेसली सी को रेफर कर दिया कि आप सी से पूछ सकते हो कि मेरे घोड़े की हेल्थ कैसी है। अब सी कहता है कि ये घोड़ा बहुत ही हेल्दी एंड साउंड है, उसके बेसिस पे बी जो है घोड़ा खरीद लेता है। तो यहाँ पे जो सी का स्टेटमेंट है, जो उसने ये बोला कि हाँ मेरा इसका जो घोड़ा है ए का वो बहुत ही हेल्दी है, तो माना जाएगा कि यहाँ पे उसका जो एडमिशन है वो एडमिट होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, अगर ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, अगर सी ये बोले कि मुझे तुम्हें 1000 रुपये देने हैं, अब सी कहता है हाँ भाई तुम्हें तो 1000 रुपये देने हैं, तो ऐसे केस में सी जो है वो है जिसको कि ए ने एक्सप्रेसली रेफर किया था कि अगर सी कहेगा तो मैं पैसे आपको दे दूंगा। अब सी कह देता है कि आपको पैसे देने हैं तो यहाँ पे ए को देने ही होंगे और इस केस में जो सी का एडमिशन है वो माना जाएगा। तो ये थी 7% की कैटेगरी जो किसी भी केस में आपके एडमिशन कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को जो है एडमिट कर सकते हैं और फिर वो प्रोसीडिंग्स में ट्रायल में उनके ये एडमिशन जो है रिसीवेबल होंगे। तब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन कौन कौन पर्सन कर सकते हैं। सो आई डू होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको जनरली ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, बच्चों को समझ नहीं आता है। आई थिंक कि मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज में लीडिंग केस डालते हुए एग्जाम्पल डालते हुए आपको समझाने की कोशिश करी है कि कौन कौन से पर्सन है हु कैन मेक एडमिशन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक
एंड शेयर जरूर करिएगा. दैट्स ऑल फॉर माई लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.